ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद होने पर मोदी सरकार का एक्शन नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 19 जून की शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सभी दलों को विश्वास में लेना चाहती है। साथ ही सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात के बाद फैसला लिया गया है कि चीन के साथ अभी सैन्य वार्ता नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने आज लद्दाख में चीन से विवाद पर बयान जारी किया है। बैठक की शुरुआत पीएम मोदी ने चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी को भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। उकसाए जाने पर भारत यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब भी देना जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। प्राइम न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है आगे बढ़ाएंगे।